पता है इतनी साफ भी नहीं है गोभी ना, नहीं है इसमें ये वाला फूल अच्छा नहीं मिला। सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होएंगे और गर्मी से बचे होएंगे, धूप से बचे होएंगे। और आज हम बना रहे हैं गोभी के पराठे। तो मैं ये पहले तो ना अच्छे से इसको काट के रख देती हूँ। मेरे को ना इसमें गोभी में ना एक कीड़ा भी मिला। लुली अब तो गर्मी आ गया, अब होते भी है गर्मी में। अच्छा हाँ, गर्मी में ही तो होते हैं कीड़े। बोला तो था मैंने तुझे तब भी। गर्मी में ही होते हैं। हाँ मैं भूल गई थी। हाँ मेरे को एक कीड़ा मिला था, वो मतलब इस पे नहीं था, इस पे था डंडल पे, बट फिर भी मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। अच्छे से करियो मैम, कीड़े ना निकटे। ये देखिए रे डूली, हीरा 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 हीरा। नहीं ये कीड़ा नहीं है, कुछ और ऐसे ही पत्ता लगा हुआ। ये तो पत्ता है यार, ग्रीन वाला। ओह मैं भी डर गई थी, क्या हो गया। चल आ जा फिर, चाय बनाइए जल्दी। आ आई जाएगी, सूख तो जाएगी, धो भी बहुत तेज है इसको, वहीं पे रख दूंगी ना धो के। ओके आ जा। तो यहाँ पे एक साइड पे बन रहे हैं हमारे गोभी के पराठे और एक साइड पे बन रहे हैं रोन की रोटी, जो कि तन्नू बना रही है रोन की और मैं बना रही हूँ पराठे। बस बटर लगा के खाने वाली हूँ। क्या बोल रहे हैं मम्मी? आज बटर लगा के खाएंगे। A few hours later. So guys, मैं तो गिरी हूँ बहुत जोर की, ऊपर से सीधा नीचे धड़म। वहाँ पे रख रही थी सामान और पैर रख दिया मैंने इसके ऊपर। ये तो फिलहाल टूट चुकी है, इसका अब क्या करूँ। और ये टूटी तो टूटी, मुझे भी तो गिरी सच्ची बहुत। ये देख ना सूज गया बेचारी को, बहुत सारी जगहों पे चोटें लगती हैं। बाजू पे भी लगी है, यहाँ पे भी लगी है। ये देखो हाथ भी सूज गया है और यहाँ पे भी लगी है। तन्नू तेरी वजह से नहीं, मैं पकड़ने आ रही थी बहन, तू गिरी। सुपरमैन थी जो पकड़ने आ रही थी। ये रोन अगर ना अड़ा होता ना रास्ते में, बट रोन की वजह से नहीं गिरी। रोन की वजह से नहीं गिरी, बट मेरे को दिख तो गई थी ना गिरते, वहाँ पे ऐसे करके हाथ इस पे पैर रख रही है। बेवकूफ, इतनी मोटी है तू और मैं ही नहीं पैर रखती तो तू कैसे रख सकती है। और दोनों पैर इस पे रख के फिर इसको खोल के ना इस पे रख रही थी और फिर वहां से एकदम से ये टूटा, ये टूटा, इधर से इसका पैर फिसला, उधर से पैर छूटा। वहां मैंने एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करी कि मैं खुद को बचा लूं, बट मैं इसके अंदर गई। हाँ ये पता क्या, नहीं हाँ पता क्या, इसमें पैर रखा इसने, फिर उसके बाद इधर पैर रख रही थी, वो खोला है खोल के फिर उधर से हाथ रखा इसने। सूझ गया टोकरी, हेड ओनली टोकरी टूटी, इधर से पैर एकदम फिसला, फिर हाथ वहां से छूटा इसका। इतनी जोर से गिरी है कि सीट के गिरी है पूरी। मैं एक्चुअली यहाँ पे रोन को नीचे लेकर आई हूँ घुमाने के लिए, और जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं वो भैया आ गए, और ये वहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह खड़ा होके ना बस उन्हीं को ही देख रहा है, और इसे इतनी देर होगी यहाँ पे खड़े हुए। इसको ज़रा सा भी ये नहीं होता कि चलो जी ऊपर चले जाते हैं, बट ये देखें ये इसका भी मूड इस तरीके से यहाँ पर खड़ा है, एक टक बस उधर ही देखा जा रहा है, उधर ही देखा जा रहा है, नारे भी तक आ रहा है, बट ये नहीं कि ऊपर चल पड़े। चले घर, उसके बाद इनको देखने लग गया, इनको देखता रहा इसकी आवाज सुनता है। अभी भी तो उधर ही जा रहा है वो घूमने के लिए, लेकर आई हूँ मैं। गर्मी में क्या घूमना होता है हमें समझ नहीं आता, ये धूप में घूमता है और अपने आप को गर्मी में घूमता और हाथ से चला जा नहीं रहा है, छाला हो गया शायद इसके हाथ में, तो छाला पर फिर भी लेके जाना पड़ता है, लोग हमें भी पागल कहेंगे इस चक्कर में। कल पता है 5 बार लेके गया ही मुझे, थोड़ी थोड़ी देर में तंग कर दिया इसने, लूज मोशन लग गए और ले लेके जाता है। फिर देखो लस्सी पिलाओ, नहीं पीता इसको, लस्सी पिलाओ ना, रोटी रोटी ज्यादा मन तो इसको लस्सी पिला, वो डाल के जैसे डॉक्टर बोलता था इसको पतला वो करके, तो डेंगू 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 कहाँ पे डेंगू डेंगू, ये रोज घुस जाता है, ये मेरे पास भी घूम के गए ना, बाहर डोली बाहर ही कर देती हूँ इसे, रुक जा। ये देखिए भोंक रहे, बाहर चला जा, आराम
ये यहाँ पे कहाँ से आ रहा है डोली, तो किचन का मत था उनका मुंह से बच गया था, इतना ज्यादा बांट गया था उसको। अब हम यही करते हैं कि जैसे ही देखते हैं ना उसका हम तो भगा देते हैं। कैसे ऐसे ऐसे कर रहा था, छेड़ रहा था उसको, अभी भी करता कई बार है ना, बट वो कई बार भाग जाता है, खा लिया था इससे छोटा, अभी बाहर बैठ गया जैसे ही दिखे रहा दर्द दर्द शुरू हो जाता है, मार लगता है। अरे ये काट जाते हैं, हाथ पे काटा था शायद, पता नहीं मुंह पे काटा था, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है फिर इससे ना। चल तनु शुरू करें अपना, ये ना ऐसे करने लग जाता है, इस तरीके से अपने ना कान बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लग जाता है, तो बहुत दिक्कत होती है इसके कानों को लेके। अरे है ना पुलाव, तो अब पुलाव तू नहीं बनाएगी? हाँ मतलब मैं ही बना रही हूँ, बना रहे हैं ना हम, नीचे गिराया है ये संभालना भी होता है, बचाने आना चाहिए था तुझे, पैर किसके ऊपर रखा मैडम ने, ऑर्गेनाइजर के ऊपर प्लास्टिक का था, उसके ऊपर रखा चेयर जो पड़ी है वो नहीं दिखेगी, मैं उस पर रख चेयर तो लटकी थी क्या पूरी जैसे पहाड़ से, हाँ जैसे पहाड़ से लगी थी ना, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर छोड़ा क्यों था, हाँ उस पे लटकी थी, फिर मैंने छोड़ दिया, छोड़ते ही मैं सीधा उसके अंदर भी ऐसे पहुंचू और अलमीरा तो बहुत ज्यादा ही संकट आ रहा है इसके साथ, थोड़े दिन पहले कुछ हुआ, वो गिरी थी ना रोन को ले जाते हुए सीढ़ियों से, चार सीढ़ियों से जंप करी थी, अब मुझे नींद भी पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ गया एक और कुछ और कुछ नहीं, बस पुलाव खाएंगे, बस कुछ गोभी तो नहीं मंगवाए, एक दो है गोभी इतनी तेरे में डाल दूंगी, तो ऊपर तेरे से निकाल के खिलाती हूँ, और अभी तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बढ़ गया होगा, यहाँ पे भी इधर नाम आएगा, फिर ज्यादा अंदरूनी दर्द हो तो फिर तो वो डॉक्टर को दिखाना पड़ जाएगा, फिर इतनी जोर से गिर गई बेचारी बैठे बैठे, क्या पंगे लेती है तो पागल पागल लेके कुर्सी नहीं देखती तेरा, तन्नू की शक्ल देख के मुझे बार बार इसमें हंसी आ रही है, इसकी वजह से गिरे बार बार, तू ये थी नहीं सब तेरे साथ, मैं तो ये थी ये बचा नहीं पाई ना, वो रोन आगे हट गया था मेरे, मैं जाती कैसे, हाँ वही मैं कहूँ की मुझे दर्द क्यों हो रहा है, सिकाई करो रेस्ट कर, टेक रेस्ट में मैं सब काम करूँ, समझी पता है मुझे कर लेगी आराम से, आराम कर, अभी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे देखेंगे बाद में ना, थोड़ी देर में देखियो तो यहाँ पे है या नहीं है, पुलाव बनाया है आप, मतलब अब रियलाइज हो रहा है ज्यादा पेन का, क्योंकि अब पता लग रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे रात भी हो रही है, तो यहाँ पे तो आपको दिखा ही दिया था कि ऑब्वियसली बाजू पे तो बहुत ज़्यादा नील पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मोटे वाला, और मेरे पैर पे भी है स्वेलिंग, थोड़ा सा पैर पे भी हो गए लगी हुई है, और यहाँ पे भी मेरे इस साइड पे भी लगी है मुझे थोड़ी सी, अब सिकाई वगैरह करूँगी वॉर्म बॉटल से, फिर उसके बाद ज़रा ठीक वगैरह होंगी सिकाई से कोई करके, पता नहीं एकदम से कैसे बेवकूफ़ों की तरह मैं गिर गई, मुझे खुद ही नहीं समझ आया। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो चलिए मिलते हैं हम कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।